स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरे में बेसन लेना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे कलर लाने के लिए। इसमें मैंने मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर आधा आधा चम्मच डाला है। अब इसमें हम मंगरेला ज्वाइन डालेंगे जिससे स्वाद बढ़ जाता है। इसमें हमने सोडा डाला है थोड़ा सा, ताकि पकौड़ा हमारा फूला हुआ रहे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम मिलाएंगे। इसे ज़्यादा पतला ना करें, वरना हमारा पकौड़ा जो है फूलेगा नहीं। देखिए मैंने यहाँ बेसन मिला लिया है, और इसे मैंने गाढ़ा ही रखा है, पतला नहीं किया है, ताकि हमारा पकौड़ा जो है अच्छा से फूले। हमने गैस जला लिया है, अब इसमें हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तब तक हम ब्रेड को काट लेते हैं जब तक तेल गर्म हो रहा है। अब हमने काफ़ी ब्रेड को काट लिया है, अब हम इसे एक एक करके छानेंगे। तो देखिए मैंने ब्रेड को अच्छे तरीके से बेसन में डुबा दिया, अब हम इसे छानेंगे। इसी तरह हम ब्रेड को बेसन में डुबा के छानेंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा एक साइड से पक चुका है, अब हम दूसरे साइड से इसे पलटेंगे। तो देखिए हमारा पकौड़ा कितना अच्छा फूला हुआ है। अब ये ब्रेड दूसरे साइड से भी पक चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। हम इसे सॉस के साथ खाएंगे। आप चाहें तो इसे सेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।